भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपने ऊपर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों को एक बार फिर से झूठा करार दिया है। इसके साथ ही उन्होंने राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों को लेकर कांग्रेस को घेरा है। बीजेपी सांसद ने उनके ऊपर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर कहा है कि किसी के पास कोई सबूत नहीं है। इसको लेकर सिंह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने में मुख्य चेहरा रहे पहलवान बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने पलटवार किया है। दरअसल ब्रजभूषण शरण सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, कोई घटना घटी नहीं, किसी के पास कोई सबूत नहीं। आरोप लगाने वाले खिलाड़ियों ने सुबह कुछ कहा, शाम को कुछ। आरोप झूठे हैं ये जानते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और प्रियंका जी महिलाओं को न्याय दिलाने जंतर मंतर पहुंच गए। न्याय के लिए उनके आने का कोई बोध नहीं है। महिला पहलवानों को न्याय भी मिला, लेकिन राजस्थान की महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सोनिया जी, प्रियंका जी, कांग्रेस की महिला लीडरशिप का मौन होना दुर्भाग्यपूर्ण है। राजस्थान में रोज दर्जनों बलात्कार की घटना हो रही है। न्याय के लिए राजस्थान की महिलाएं दर दर की ठोकरें खा रही हैं। इन घटनाओं के पक्के सबूत हैं, इसलिए पूछता हूं कि प्रियंका जी बताओ चुप क्यों हैं? सोनिया जी बोलो, आपकी जुबान पर ताला क्यों लगा है? गहलोत साहब बताओ, अपने घर की महिलाओं को न्याय कब दोगे? पायलट साहब बताओ, घर की महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए अब आपके खून में वाल क्यों नहीं आ रहा है? इसके साथ ही बीजेपी सांसद ने अपने पोस्ट में राजस्थान में महिला अपराधों के कुछ आंकड़े भी दिए हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि 19 बलात्कार की घटना रोज राजस्थान में घट रही है। रेप के 22% मामले अकेले राजस्थान से हैं। उन्होंने कुछ घटनाओं का जिक्र कर आगे लिखा है कि इस बात को साबित करता है कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां महिलाओं का अस्मिता को बर्बाद किया जा रहा है। हरियाणा को न्याय दिलाने वालों बताओ, राजस्थान को न्याय कब दिलाओगे? धरने पर कब बैठोगे? ब्रजभूषण के स्पीड पर उनके खिलाफ धरना देने वाले सांसद भड़क गए। महिला पहलवान मनीष फोगाट ने लिखा, महिला पहलवानों को न्याय नहीं मिला है, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारे जैसे अत्याचारी के दिन भी एक दिन जरूर लदेंगे। अभी तो सरकार के संरक्षण में कुश्ती पर कब्जा किए बैठे हो और पीड़ित महिला पहलवानों को आंखें दिखा रहे हो। यकीन मानना, महिला पहलवान तुम्हारा हिसाब जरूर करेंगी। हम महिला पहलवानों के रेडिकल आंदोलन से भी बहुत कुछ सीख रही हैं। तुम्हारा हिसाब जरूर करेंगी। भाई बजरंग पुनिया ने भी सिंह को जवाब देते हुए पोस्ट पर लिखा, महिला पहलवानों का शोषण करने वाला दूसरों को शीशा दिखा रहा है। अगर ब्रजभूषण सत्ताधारी पार्टी का सांसद न होता तो इसकी सारी पोल पट्टी खुल चुकी होती। सत्ता के संरक्षण में कुश्ती पर कब्जा कर जो कुछ तुमने किया है वो भारत के खेल इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। बता दें कि महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। अभी ये मामला अदालत में है। यौन उत्पीड़न के मामले में दिल्ली पुलिस ने 15 जून को ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। भारतीय कुश्ती संघ के निलंबित असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल की गई है। अदालत इस मामले पर अगली सुनवाई 22 नवंबर को करेगी।